Hello students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is growth of new ideas before starting the chapter we have to know some important terms like first is tirthankara a jain teacher with supposedly divine powers shvetambars jains who wear white clothes digambars jains who go around naked sangh the religious order of buddhist, ahimsa that is no injury to living beings and dhamma that is pali word of dharam, religion used by buddhist. Nirvana that is the salvation of an individual from death and birth. अष्टमार्ग दैट इज एट फोल्ड पाथ ओके तो इस चैप्टर में हम इन्हीं टर्म्स को यूज करके हम रीड करेंगे कि कैसे न्यू आइडियाज अमर्ज हुए कैसे उन्होंने ग्रो किया फर्स्ट है उपनिषद ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द सेजेस कंपोज द फोर वेदास एंड ब्राह्मण्स Four Vedas, Brahmans, Arankal, and Upanishads. As far as the later Hindu tradition is concerned, the Upanishads are the most important Vedic test. The Pridharnayaka and Chindhayaka, the earliest of the Upanishads, date from the 6th of the 7th century. The name Upanishad, Upanishad ka matlab hota hai, sitting at the feet of द गुरु और टीचर यानी कि गुरु के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा लेना ठीक है तो उपनिषद में वो सारे लेसन जो हैं जो एक गुरु ने शिष्य को औरली डिलीवर किए पढ़ाया जो उन्हें सिखाया उसको कंपोज किया गया है The 108 Upanishads record the views of Hindu teachers. They are usually called Vedanta, the end of the Vedas. The Upanishads vehemently condemn the ceremonially, ceremonial religion. The spirit of the contents of the Upanishad is anti-ritualistic and they explain various theories of the creation of this universe. According to the Upanishad, God is the ultimate cause of the universe and God and soul are fundamentally identical. God is Brahman. द हाइएस्ट एंड द आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द गोल ऑफ द सोल इज़ टू रिनाउंस द वर्ल्ड एंड अटेन सेल्वेशन तो उपनिषद में इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो कंपोज किए गए हैं द उपनिषद फर्दर एक्सप्लेन करता है डॉक्टराइन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स एंड द इथिकल डॉक्टराइन ऑफ कर्मा की कर्म का क्या प्रभाव होता है मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है तो इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद में डिस्क्राइब किए गए हैं हेयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दारा शुखा द एल्डर सन ऑफ द मुगल एम्प्रर शाहजह वॉज सो मच इम्प्रेस बाई द उपनिषद्स डेट ही गोट फिफ्टी ऑफ दैम ट्रांसलेटेड इन टू परजियन लैंग्वेज कि वो इतने ज़्यादा इनसे impressed हुए कि उन्होंने कम से कम पचास उपनिषद जो हैं वो अपनी पर्जियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किए ट्रांसलेट करके लिखा गया ठीक है Now, द 11 मेन उपनिषद कौन कौन से 11 मेन उपनिषद हैं कथा उपनिषद मुंद का उपनिषद मंदुकिया उपनिषद तैतिया उपनिषद ईसा उपनिषद श्वेत उपनिषद इस तरीके से टोटल हमारे पास इलेवन मेन उपनिषद्स हैं नाउ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कैसे जो जैन और बुद्धिज्म पहले क्या थी क्लासेस थी ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इस तरीके से अब धीरे धीरे क्या हुआ जैनिज्म और बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ जैसे द cause ऑफ़ द राइज ऑफ these टू रिलीजन were as follows फर्स्ट है द सिंपल वैदिक रिलीजियस सेरेमनीज बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव जो उस टाइम पर हिंदू ब्राह्मण जो थे ठीक है वो जितने भी रिचुअल करते थे जो भी सेरेमनीज करते थे वो काफी एक्सपेंसिव होती थी ठीक है तो जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वो इन धर्म की तरफ खींचे चले गए सेकेंड यजनाज एंड सेक्रीफाइस बिकेम वेरी एलोब्रेट और कुछ लोग जो थे सेक्रीफाइस एनिमल के सेक्रीफाइस से और यज्ञ के खिलाफ थे ठीक है तो ये काफ़ी एक आडम्बर था तो बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे तो वो लोग जैन और जो आपका बुद्धिज्म रिलीजन है उसकी तरफ मूव हो गए थर्ड रीजन था द ब्राह्मण्स हु परफॉर्म द राइट्स एंड रिचूअल्स बिगेन टू एक्सप्लॉयड कॉमन पीपल टू सेटिस्फाई देयर ओन ग्रेड फॉर वेल्थ एंड पावर जो ब्राह्मण थे वो कॉमन लोगों को परेशान करने लगे थे अपने लालच के लिए अपनी वेल्थ और पावर के लिए ठीक है उन्हें बहुत सारे रिचुअल और राइट्स के लिए उन्हें एक्सप्लॉयट करने लगे थे नेक्स्ट है वैदिक रिलीजन लोस्ट इट्स प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी एंड पीपल बिगेन टू बिलीव इन चार्म स्पेल्स एंड मैजिक लोग जो हैं वो सिंपलिसिटी से कहीं दूर हट के प्योरिटी से कहीं दूर हट के जादू टोने में भ्रम में विश्वास करने लगे थे एंड देयर फोर मैनी प्रोग्रेसिव थिंकर्स लोस्ट फेथ इन इट एंड पीपल टू वॉन्टेड अ सिंपल रिलीजन नेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में जितने भी वैदिक टेस्ट लिखे गए थे वो सारे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे लेकिन कॉमन पीपल जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे सिर्फ ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत को अच्छे से समझ पाते थे सिक्स रीजन था द सिंपल वर्न सिस्टम हैड डी जनरेटेड इंटू अ रिजिट कास्ट सिस्टम द होल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू हाई कास्ट एंड लो कास्ट अब हिंदू रिलीजन में क्या था जो सिंपल वर्न सिस्टम था उसको एक रिजिट कास्ट सिस्टम में चेंज कर दिया गया और वहाँ पर सिर्फ हाई कास्ट लो कास्ट यही सोसाइटी में देखा जाता था तो बहुत सारे जो लो कास्ट के लोग थे वो इन दो नए रिलीजन की तरफ मूव करने लगे या उन्हें कोई ऐसा रिलीजन चाहिए था जो कास्ट वाइज ना हो द हाई कास्ट पीपल इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड द लो कास्ट पीपल होम द कोल्ड एज अनटचेबल और जो हाई कास्ट के लोग थे वो लो कास्ट को बैड ट्रीट करते थे ठीक है उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते थे मंदिर में आने नहीं देते थे नेक्स्ट द वैश्याज द मेन ट्रेडिंग कास्ट हैड एक्यूमलेटेड अ वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ यट दे वार लो पोजिशन इन द सोसाइटी और जो वैश्य थे ठीक है वो क्या करते थे ट्रेडिंग कास्ट थी ये ठीक है व्यापार करती थी बहुत सारा वेल्थ जो है किंग के लिए वो ट्रेडर जो थे वो एक्यूमुलेट करते थे लेकिन उसके बावजूद उनकी सोसाइटी में पोजिशन काफ़ी लो थी तो इस तरीके से जो कॉमन पीपल थे वो ऐसे रिलीजन के तलाश में थे जो सिंपल हो अफोर्डेबल हो कास्ट सिस्टम ना मानता हो और सबको इक्वल ट्रीट करता हो जहाँ पर काइंडनेस हो पिटी हो लव हो ठीक है तो इसीलिए ये जो दो रिलीजन थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये पॉपुलर होने लगे अब जैनिज्म की शुरुआत कैसे हुई

होती है किसी को हमें मारना नहीं चाहिए हमें हमें अधिकार नहीं है किसी को चोट पहुंचाने का किसी को हर्ट करने का इट ऑल्सो एवोल्ड इंटू अ डेवलप्ड कल्चरल सिस्टम दैट दैट मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिलोसफी लॉजिक आर्ट आर्किटेक्चर मैथमेटिक्स एस्ट्रोनोमी एस्ट्रोलॉजी एंड लिटरेचर अब जैनिज्म रिलीजन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग फील्ड में भी था कैसे हिस्ट्री Jainism originated around the 7th, 5th centuries BC in the Ganga Basin of North India, the scene of intense religious fluctuation and activity of that time. रिशभ देवा वोज द फर्स्ट जैन तिरंतकारा एंड प्रसवंता द ट्वेंटी थर्ड तिरंतकारा हु लिव्ड इन दैवंथ सेंचुरी फाउंडेड अ कम्युनिटी बेस्ड अपॉन अबेंडन ऑफ वर्ल्डली कंसर्न एंड वर्धमान आल्सो कॉल्ड महावीरा वोज़ द ट्वेंटी फोर्थ एंड द लास्ट तिरंतकारा ऑफ द ऑफ दिस कॉस्मिक एज ही फाइव टू फाइव ट्वेंटी सेवन द नियर कंटें्परेरी ऑफ द बुद्धा तो वर्धमान महावीरा ठीक है जिन्होंने जैनिज़्म की शुरुआत की थी ही वॉज द ट्वेंटी फोर्थ तिरंतकारा यानी कि गुरु थे ट्वेंटी फोर्थ और द लास्ट वन ऑल्सो ठीक है तो जिस टाइम बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था तो रिलेटिवली रिलेटिवली महावीर जैन का भी जो टाइम पीरियड था तो ये सेम सेम है Mahavira, the son of a chieftain of the Jantrika tribe, was born at Kundagram near Vaishali in Bihar. At the age of 30, he renounced his riches, luxury, and princely status to become an ascetic. For a period of twelve and a half years, he followed a path of solitary and deep asceticism, at the end of which he gained. कल्व्या दैट इज एनलाइटमेंट ठीक है बहुत टाइम के बाद यानी साढ़े बारह साल के बाद ट्वेल्व एंड हाफ ईयर उन्होंने क्या किया आप सोलिट्री यानी कि एकांत में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की अपना जो साधु बने थे ठीक है डीप एसटिज्म की उसके बाद उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई दैट इज कावल्यव महावीरा प्रीच द न्यू रिलीजन ओवर अ लार्ज रिलीजन इंक्लूडिंग मगधा अंगा मिथिला एंड कोशल एंड ही यूज प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ही डाइड एट पावलीपुर नियर राजगिरह उन्होंने उसके बाद जो एनलाइटमेंट की उन्हें प्राप्त हुए ठीक है कि ये वर्ल्ड क्या है कैसे हमें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो सकती है कैसे हम जीवन मरण के बंधन से छूट छूट सकते हैं तो उन्होंने अपने लेसन जो है प्रीच करने शुरू किए और अपना एक न्यू रिलीजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया एंड

उन्होंने अपने फॉलोवर को कहा कि नंगे पैर चलना चाहिए ताकि पैरों के नीचे कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा जो है वो ना मरे ठीक है पानी जो है वो अच्छे से फिल्टर करके पीना चाहिए एंड इवन टाई अ पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर माउथ सो दैट नो इंसेक्ट और जर्म मे बी इनहेल्ड एंड किल्ड और अपने माउथ पर भी आपने देखा होगा जो जैनिज़्म होते हैं अपने माउथ को भी ऐसे बांध के रखते हैं कपड़ा ताकि कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट जो है उनके माउथ में ना जाए और उन उसकी जान ना चली जाए तो इतने ज़्यादा वो अहिंसा को करते हैं Second है no जैसा कि उस टाइम हिंदुजम जो रिलीजन था उसमें काफी सेक्रीफाइस यज्ञ होते थे काफी रिचुअल्स थे तो ये जो रिलीजन था ऐसी किसी भी रिचुअल में बिलीव नहीं करता था थर्ड अटेन्वेंट ऑफ सेलवेशन ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज एंड मैन इज सराउंडेड बाय अनलिमिटेड वर्ल्डली डिजायर जब तक हम अपने डिज़ायर को कम कम नहीं करेंगे तब तक हमें इस संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी ही गेट्स रिजल्ट एज पर हिज करम डीड्स ही शुड ट्राई टू अटेन निर्वाण और मोक्ष फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिज़ायर फॉर दिस ही मस्ट ऑब्जर्व त्रिरत्तन उसने क्या कहा उन्होंने कहा कि हमें इस वर्ल्ड डिजायर से यानी जो हम जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं लोभ मोह माया में फंसे हुए हैं उससे निकलने के तीन रास्ते हैं दैट इज ट्राई या त्री रतन जिसको थ्री फोल्ड पाथ कहा जाता है दैट इज राइट बिलीव अच्छी चीज़ों में सही चीज़ों में विश्वास करो राइट right नॉलेज सही नॉलेज होनी चाहिए एंड राइट कंडक्ट ही मस्ट लेड अ प्योर लाइफ नेक्स्ट है सर्फिनेंस महावीरा टोट हिज फॉलोवर्स टू कप देयर डिज़ायर्स एंड इम्पल्सिस बाय अंडरटेकिंग सविनस महावीरा ने कहा कि अपनी जो वर्ल्ड की जो डिज़ायर है आपकी उनको दबाना सीखो ठीक है बहुत इस तरीके से काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी ये चीज़ें करने के लिए एंड थ्योरी ऑफ करम एंड

इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स सब लोग जो हैं वो इक्वल हैं कोई कास्ट सिस्टम को जैनिज्म जो रिलिज्म है वो नहीं मानता एंड कोई इट प्रीचिज इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स सोशल कोड ऑफ कंडक्ट महावीरा प्रीच दैट ऑल इविल्स इन द सोसाइटी कुड बी रिमूव्ड इफ एवरी वन लेड अ प्योर लाइफ विच मैंट दैट वन शुड नोट लाई स्टील और किल ही ऑल्सो लेट दैट ऑस्ट्रेटी दैट इज़ अ सिंपल लाइफ विद मिनिमम ऑफ कम्फर्ट एंड प्रॉपर्टी ठीक है सिंपल लाइफ जीनी चाहिए जिसमें कम से कम प्रॉपर्टी हो कम से कम कम्फर्ट हो और किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को मारना नहीं चाहिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए तो इस तरीके से लोगों में सोशल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए नेक्स्ट है द दिकांबर्स देर ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हुर एनी क्लोथ एंड प्रेफर टू लेड अ लाइफ ऑफ सेल टॉर्चर की उन्होंने हर तरीके की मोहमा को छोड़ दिया है इवन वो कपड़े तक नहीं पहनते वो कौन सा है सेक्ट है ये एक ग्रुप है जेनिज्म में ही दैट इज दिकां नेक्स्ट है श्वेताबर्स दश्वेताम्बर्स जो फॉलो करते थे जो व्हाइट कलर के जो गार्मेंट्स है वो पहनते थे ओके एट वन टाइम जैनिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन सम किंग्स टू कन्वर्टेड टू इट ठीक है बहुत सारे किंग जो थे वो भी जैनिज्म रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे एक टाइम पर जैनिज्म रिलीजन जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था दे ऑल्सो बिल्ट ब्यूटिफुल जैन टेम्पल्स दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू राजस्थान एंड अनदर वन एट एट पलिताना एंड शत्रुंजय हिल गुजरात एंड फेमस जैन टेम्पल जैनिज्म बिकेम पॉपुलर पर्टिकुलर अमंग द ट्रेडिंग कम्युनिटी बिकॉज इट लेट्स ट्रेस ऑन द इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ ओलका सो दे गेव ह्यूज डोनेशन टू स्प्रेड द न्यू रिलीजन क्योंकि जैनिज्म रिलीजन सबको इक्वल ट्रीट करता था तो जो ट्रेडर थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे जैनिज्म रिलीजन की तरफ ठीक है तो इसी लिए उसके लिए वो बहुत सारा डोनेशन भी देते थे द दिगम्बर सेक्ट हैड फॉर ऑलमोस्ट टू मिलेनिया सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द रिलीजन फॉलोड इन द नेबरिंग तमिलनाडु ऑल्सो दि ग्बर वर पेट्राइज बाई प्रोमिनंट मोनार्क ऑफ थ्री मेजर डायनेस्टी विज द गंगाज द हो इन कर्नाटका एंड द राशकुटास ऑफ डेकन इस तरीके से जो आपका जैनिज्म रिलीजन था उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और बहुत सारे जो जैन टेम्पल थे वो बनवाए गए थे अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म रिलीजन की बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे गौतम बुद्ध जिनको लॉर्ड बुद्ध के नाम से भी जानते हैं बुद्धिज्म एज़ अ रिलीजन एंड फिलोसफी एरोस फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध हु लिव्ड इन द 6th सेंचुरी बीसी इट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द स्पिरिचुअल कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी स्प्रेड टू द वेस्ट द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज़म कैसे बुद्धिज्म की फ़ाउंडेशन हुई कैसे शुरुआत हुई बुद्धिज़्म इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम लेट सिक्स सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुआ बुद्धिज़्म नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से एंड अ पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल चेंज एंड इंटेंस रिलीजियस एक्टिविटी जिस टाइम हिंदुजम रिलीजन से लोग खुश नहीं थे जो ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज होती थी सेक्रीफाइस की और रिचुअल की उससे लोग खुश नहीं थे तो लोगों को ऐसा ऐसे रिलीजन की तलाश में थे जो सबको इक्वल समझे तो उसी टाइम बुद्धिज़्म और जैनिज्म जो रिलीजन जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा तो ये अरोस हुए ओके okay? नाउ लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध बुद्धिज्म की शुरुआत की गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध कौन थे गौतम बुद्ध वॉज Around 563 BC in Lumbini Grove near Kapilvastu in the foothills of Nepal. He was the son of a Shakya chief.

ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ थर्टी ईयर्स और इन्होंने भी तीस साल की उम्र में महावीरा जैन की तरह अपना घर छोड़ दिया था दिस इवेंट इज नोन एज द ग्रेट रीन्यूएशन और इसको बोला जाता है द ग्रेट रीन ही प्रैक्टिस इन द यवेला फोरे नियर गया फॉर सिक्स ईयर छः साल तक इन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन की ही फाइनली सेट अंडर अ बनियान ट्री एट बोध गया उसके बाद बौद्ध गया में एक बनियान ट्री के नीचे बैठ गए और पीपल ट्री के नीचे काफी टाइम वो बैठे रहे अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए एंड टू हिज क्वेश्चन ही रिमेन्ड इन समाधि डीप मेडिटेशन फॉर फोर्टी नाइन डेज फोर्टी नाइन डेज तक ठीक है वो एक समाधि में बैठे रहे उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई जिसको नाम दिया गया बोध ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा उसके बाद ही उनका नाम बुद्धा के नाम से पॉपुलर हो गया और द एनलाइटेड वन ही वॉज ऑल्सो कोल्ड तत्कथा वन हु पोज इज द ट्रूथ एंड ऑन द साइट वेयर गौतम बुद्ध गोट एनलाइटमेंट इज़ द महापोधी टेम्पल विच इज़ द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर ऑल द बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड बुद्धा डिलेवर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन द डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी यहाँ पर इन्होंने अपना पहला लेसन जो है पहला सरमन पहली टीचिंग जो है वो डिलीवर दिल, की थी एंड This event is known as Dharam Chakra Privartan. Turning that is a wheel of flow. Turning of the wheel of flow. He spent the rest of his life in preaching Buddhism. A large number of people of Magda and Koshala, including the king and the embraced Buddhism, he also laid the foundation of the Sangha order of the Bhikshus, which contributed a lot to the popularizing the Buddhism. He died at the age of 80 at Kushinagar in eastern UP. है okay? after डेथ के बाद बुद्धिज्म जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया एक हिनाया जो लेसर व्हीकल कहते हैं एक महायान जिसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं ओके नाउ वर्जयान वाज अनदर सेक्ट विच लेटर इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये दो सेक्ट दो पार्ट में बटे और इनके फॉलोवर कौन थे और क्यों जो जैनिज्म जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको दो भागों में बांटा गया ठीक है अब हम पढ़ते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा जो बुद्धा की क्या टीचिंग थी बुद्धिज्म रिलीजन हमें क्या सिखाता है बुद्धा जो है वो लोगों की जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी पाली उस लैंग्वेज में लोगों को प्रीच किया जाता था ताकि कॉमन लोगों को ईजिली समझ आ जाए फर्स्ट टीचिंग है फोर नोबल ट्रूथ एंड एट फोल्ड पाथ फोर नोबल ट्रूथ एंड एट फोल्ड पाथ में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू बुद्धा देर आर फोर नोबल ट्रूथ दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सोरो कि ये जो वर्ल्ड है ये किसका भरा हुआ है मिजरी एंड सोरो हर जगह जहाँ भी आप देखोगे किसी को भी वहाँ पर आप देखोगे कि वो दुखी हैं दुख से भरे हुए हैं अब इस दुख का मेन कारण क्या है दुख का मेन कारण है डिजायर जो हमारी इच्छाएं होती हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए जब वो इच्छा फुलफिल नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं ठीक है थर्ड है सफरिंग्स कैन बी मिनिमाइज बाय स्नर्फिंग आउट डिज़ायर अगर हमें अपने दुख कम करने हैं तो हमें अपने डिज़ायर को कम करना पड़ेगा ठीक है तो ना ही हमारी डिज़ायर होंगी ना ही हम हर्ट होंगे और ना ही लोग दुखी होंगे ओके एंड फोर्थ क्या है दिस डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग अष्ट मार्ग पाथ अब हम अपनी इच्छाओं को कैसे मार सकते हैं हम अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके एट फोल्ड पाथ क्या है एट फोल्ड पाथ में एट प्रिंसिपल आपको सिखाए गए हैं राइट व्यू अच्छा देखना चाहिए राइट थिंकिंग सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए राइट स्पीच अच्छा बोलना चाहिए राइट एक्शन अच्छे काम करने चाहिए राइट लिविंग अच्छी लाइफ जीनी चाहिए राइट एफर्ट अच्छी कोशिशें करनी चाहिए राइट रिकलेक्शन अच्छी चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए चाहे वो यादें हों चाहे लोग हों एंड राइट मेडिटेशन और समाधि मेडिटेशन करनी चाहिए मतलब राइट ध्यान लगाना चाहिए बुद्धा डिसलाइक द डोगमेटिक लाइफ ऑफ द ब्राह्मण एंड दीम ऑस्टी ऑफ द जेंट्रीम्सो दिडल पाथ बुद्धा को जो ब्राह्मण की लग्जरी थी, दिखाने वाली, जो थी, उससे वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं थी तो उन्होंने मिडल पाथ फॉलो किया सेकेंड है अहिंसा बुद्धिज्म की टीचिंग एक हो गई आपकी फोर नोबल ट्रूथ एंड एट फोल्ड पाथ ठीक है सेकेंड है अहिंसा किसी को भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए सबकी जिंदगी होती है थर्ड हैं निर्वाणा दैट इज सेल्वेशन द एम मेन एम ऑफ मैनस लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा और अल्टीमेट सेल्वेशन कि लोगों की लाइफ का मेन एम होना चाहिए कि हमें इस लाइफ से मुक्ति मिलना ठीक है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलना और वो अचीव हो सकती है जब हम एट फोल्ड पाथ को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे नेक्स्ट है फेथ इन द थ्योरी ऑफ कर्म ही बिलीव्ड इन द थ्योरी दैट मैन इन्जॉयज द फ्रूट्स ऑफ डीड जैसा लोग काम करते हैं वैसा ही उन्हें जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल मिलता है नो फेथ इन रिचुअल्स जैनि बुद्धिज़्म जो फॉलोअर थे वो किसी भी बुद्धा की टीचिंग थी कि वो किसी भी रिचुअल में किसी भी रीति रिवाज में किसी भी सेक्रीफाइस में वो बिलीव नहीं करते थे इक्वलिटी ऑफ मैन चाहे कितने भी लोग हैं सोसाइटी में सब लोग जो हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड सो एम्ब्रेस्ड इवन द लो कास्ट पीपल इन टू हिज फोल्ड इसीलिए जो लो कास्ट के लोग थे वो भी बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ खींचे चले आए ही डिनाउंस द कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम को वो खंडित करते हैं नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बुद्धा वो साइलेंट ओवर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ही वॉन्टेड टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी बुद्धा ने गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहते थे हिज टीचिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्राई पिटिका और उनकी जो ये टीचिंग्स हैं वो ट्राई पिटाका में लिखी गई हैं जिसको थ्री बास्केट का नाम दिया गया है ही होफर्ड इज फॉलोज फॉलोवर्स ट्राई त्रियंतरा थ्री ज्वेल इन विच दे पीस वो अपने फॉलोअर को कहते हैं कि सबको थ्री ज्वेल को फॉलो करना चाहिए ताकि उन्हें शांति मिले फर्स्ट इज बुद्धा द एनलाइटेंट सेकेंड इज धर्मा एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड थर्ड इज संघा द कॉम्युनिटी ऑफ एनलाइट वंस नाउ यू हैव टू रीड अबाउट स्प्रेड एंड डिक्लाइन ओ बुद्धिज्म बुद्धिज्म वॉज अ सिंपल रिलीजन इसी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए थे क्यों क्योंकि इसमें किसी भी रिचुअल या फिर किसी भी एक्सपेंसिव सेक्रीफाइस को सपोर्ट नहीं किया जाता था इट बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड रिजेक्टेड द डिविज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट जैसे हिंदू रिलीजन में क्या था कास्ट सिस्टम था ठीक है पूरी सोसाइटी को कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया हुआ था लेकिन बुद्धिज़्म रिलीजन जो है इस चीज़ को इक्वालिटी में बिलीव करता है और इस चीज़ को सोसाइटी की जो डिवीजन है इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता था एंड इट बिकेम पॉपुलर स्पेशली एमंग लो कास्ट पीपल सेवरल किंग्स इंक्लूडिंग अशोका एंड कनिश का पेट्रनाइज बुद्धिज्म दे बिल्ट चैत्य टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म एंड इवन प्रोपगेटेड धमा आउटसाइड द कंट्री द एंशंट इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ नलंदा तकशीला एटसेट्रा बिकेम ग्रेट सीड्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग हालांकि जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी है उसमें भी

ट्रैक्ट होने लगे जो बड़े बड़े किंग थे ठीक है, वो अपने दूध को भेजते थे अदर कंट्रीज़ में, उसको प्रोपगेट प्रोपगेट करने करने के लिए, करने के लिए, लिए, को नालंदा बिकम लीडिंग सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ महायान लेटर द किंग्स पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड आफ्टर द कलेप्स ऑफ पाला डायनेस्टी इन द ट्वेल्थ सेंचुरी बिकेम डिक्लाइनिंग जब पाला जो है, होने लगी, उसके बाद आए वो इतना उसको आगे नहीं कर India, हिनाया बुद्धिज्म इज अ डोमेंट रिलीजन इन श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया एंड ले महायान एंड वज्रायन सेक्ट आर डॉक्टर इन चाइना एंड तिब्बत। इस तरीके से के जो अलग अलग सेक्ट थे अलग अलग पार्ट जो थे वो अलग अलग कंट्री में पॉपुलर होने लगे थे इस तरीके से पूरा बुद्धिज्म जो है इंडिया के अलावा आस पास की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनमें भी प्रोपगेट किया गया नाउ जस्ट अ क्विक चैप्टर the upanishads are the most important vedic text in as the later hindu tradition there are 108 known upanishads of which vedanta and chandaya are the earliest upanishads are also called vedanta the end of the vedas upanishads are philosophical works about god and soul in the post Vedic period, the Hindu religion and society degenerated due to complex rites and rituals and rigid caste system. Jainism originated around the 7th 5th centuries BC. Vardhaman Mahavira was the 24th Tiranthkara, or you can say the last Tiranthkara. Ahimsa no faith in yajna, sacrifices and rituals, attainment of salvation through threefold path of self penance, theory of karma and transmigration of soul, equality of human beings and a pure life were the foundation stones of Jainism. Digambar and Shwetambar were the two sects of Jainism. Several kings embarrassed Jainism and goat built several Sharnis, cave temples, etc. Buddhism arose from the teachings of Lord Buddha, a contemporary of Mahavira. Four noble truths and eightfold path ahimsa, nirvana, theory of karma, equality of all men were the basis of Buddhism. And the next is Many kings, including Ashoka and Kanishka, patronized Buddhism. They built chatyas, vihars, and stupas. Universities of Nalanda and Takshila became great seats of Buddhism. And the last one is. Buddhism spread outside India too in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Tibet, China, and Japan. This is the chapter, Bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.